ਸਾਰੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਜੀਓ ਯਾਰ ਮੇਰੇ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सच्चे दरबार की। देखते हैं जहां पर हमारा प्रसन्न चल रहा था, इधर महाराज नहुष मन में विचार करने लगे हैं कि मन में विचार करने लगे हैं कि अब तो इंद्राणी हम पर आशिक हो गई है। अब उन्होंने देर नहीं की, नहीं तुरंत घोड़ा को लौटाया और महलों की तरफ चली गई। हेलो, और तुरंत जाकर के एक चिट्ठी को लिखा महाराज नहुष ने। अरे सीती श्री सवलाई खुर सवलाई खुर सुनियो मेरी एकदम देर नहीं कीनी महाराज नहुष ने चिट्ठी को लिखा। हेलो, और महाराज नहुष ने जब चिट्ठी को लिखा है और जब चिट्ठी इंद्राणी के पास में पहुंची है, इंद्राणी मन में विचार करने लगी है और चिट्ठी को पढ़ के सोचने लगी है, अब मालूम मुझे पड़ता है, मन में विचार करने लगी है कि अब लगता है मुझे ऐसी देवतों को कफन की जरूरत है। मन में विचार करने लगी, फिर महाराज नहुष की चिट्ठी का जवाब उसने बड़े प्यारे शब्दों में लिखा है। आरे जब सुनी भूप की Thank you.
अरे सुन ले महाराज ज्ञानी कहने लगे महाराज। एकदम चिट्ठी को पढ़ करके बड़े ही शब्दों में जवाब दिया है। जो तुम चाहते हो महाराज वही हम भी चाहती हूँ। तुम जो तुम चाहते हो वही हम भी चाहती हूँ, पर हमारी दो शर्तें हैं। और वो शर्तें क्या हैं महाराज? पहली शर्त हमारी ये है कि जिस पलंग पर हम और तुम संभोग होगा उस पलंग को ब्राह्मण और महात्मा लोग गांठेंगे। और दूसरी शर्त तो हमारी ये है कि हमारे दरवाजे तक तुम घोड़ा या पालीपा से हाथी से नहीं आओगे, तुम पालकी में सवार होकर के आओगे। आगे महात्मा होंगे या पीछे भोले भाले संत होंगे। शर्तें लिख करके इंद्रानी ने महाराज नहुष के लिए खत भेज दिया। महाराज नहुष ने खत को पढ़ा और एकदम उन्होंने भी देर नहीं की नहीं। अरे नए पल की देर लगाई और राजा ने करी तैयारी महाराज ने देर नहीं की नहीं, तुरंत ब्राह्मणों को बुलवा करके कहने लगे हैं पलंग को गांठो। अब ब्राह्मण लोग पलंग को गांठने लगे।